हिंदी अच्छी नहीं है इसलिए ठीक से कह नहीं पाया। ये कहकर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सीधे सीधे माफी मांगने की जगह हिंदी नहीं आने का बहाना बनाया। ये इस बात का संकेत है कि ना कांग्रेस को और ना ही पित्रोदा को अपनी बात का कोई मलाल है। सवाल ये भी हो सकता है कि किसी दिन सोनिया गांधी सामने आए और अपने मौत के सौदागर वाले बयान पर ये कह दे कि हिंदी नहीं आती ना। अब हिंदी नहीं आना कांग्रेस और गांधी वाड्रा परिवार की समस्या है, इसे देश या समाज पर थोप कर किनारा नहीं किया जा सकता। सैम पित्रोदा के शर्मनाक बयान पर पूरा देश शर्मसार है, क्योंकि देश दिल्ली में हुए सिखों के कत्लेआम को भूला नहीं है और न ही कांग्रेस के कर्मों को। सैम ने क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष को जल्दी समझ में नहीं आया। समस्या हिंदी की है, लेकिन कहीं वोट न खिसक जाए इसलिए राहुल ने सैम से माफी मांगने को कहा, लेकिन सैम ने ये कहकर माफी मांगी कि मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक जिस बयान से हंगामा मचा है उसके नतीजे क्या होंगे इसका अंदाजा कांग्रेसी नेताओं को नहीं है, लेकिन पंजाब में बैठे अमरिंदर सिंह को है। उन्होंने तुरंत अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार समेत 5 नेताओं के नाम भी गिनवाए जो इस कत्लेआम में शामिल थे, लेकिन ये कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल प्लान का हिस्सा था और कैप्टन उसके मोहरा भर। इसलिए कैप्टन ने सैम पित्रोदा को पार्टी से निकाल बाहर करने की मांग नहीं की। मनीष तिवारी चुनाव मैदान में बुरे फंस गए तो उन्होंने सैम के बयान की आलोचना की, लेकिन बीजेपी और अकाली दल कांग्रेस पर हमलावर है। सिखों के जख्मों को हरा करने और एक तरह से उसकी उपेक्षा करने का दर्द कांग्रेस को 23 मई को होगा। जब नतीजे आएंगे तो लोग राहुल गांधी से कहेंगे हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ। जो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।